मंत्री अमित शाह आगामी 24 दिसंबर को कोलकाता आ रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समीक्षा बैठक यहां करने वाले हैं। 25 दिसंबर को बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी एक बैठक होनी है और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है 24 को, और इसी 24 को ही खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन खबर सामने आई कि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी उस दिन किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। और इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि 24 दिसंबर को जो गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, और इस समीक्षा बैठक को लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बंगाल दौरे पर इससे पहले भी वह अभी हाल ही में आए थे, और इस दौरान उन्होंने धर्मतला में, कोलकाता के धर्मतला में एक रैली का आयोजन किया था, जनसभा का आयोजन किया था। जनसभा के दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। जी हां, उन्होंने बंगाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया था, साथ ही CAA NRC को लागू करने का भी जिक्र किया था। और बंगाल में जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने मंच से सीएम पर और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपको याद होगा कि जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह यहां रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी दिन टीएमसी का विरोध प्रदर्शन अमित शाह के बंगाल दौरे के खिलाफ विधानसभा के बाहर देखने को मिला था। लेकिन अब एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच रहे हैं। ये दौरा उनके लिए लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से अभी अमित शाह अभी हाल ही में होकर गए कोलकाता से, और इसके बाद एक बार फिर से कोलकाता आ रहे हैं, इसे लेकर अब टीएमसी ने अमित शाह को घेर लिया है। तृणमूल का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का बार बार बंगाल आना, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि बंगाल आने का इरादा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना है। तो वहीं तृणमूल समर्थकों का कहना है कि बीजेपी के पास वोट नहीं है जिसके लिए शाह बंगाल आ रहे हैं। तृणमूल के आईटी सेल के एक नेता के मुताबिक अमित शाह बंगाल में वोट के लिए प्रचार कर लोगों का भरोसा हासिल करने की कोशिश करने आ रहे हैं। उन्होंने बंगाल में फिर से यात्रा सेवा शुरू कर दी है, लेकिन उनके आने का कारण यह है कि वे वोट अब उनकी पार्टी के लिए नहीं है। तृणमूल की जीत का परचम लहराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का बार बार बंगाल दौरा कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दे कि एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह यहां बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल में पार्टी की तैयारी को लेकर एक मुलाकात की थी, बैठक की थी, चर्चा की थी, और इसी दौरान सुकांत मजुमदार के साथ मौजूद थे विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान। जी हां, सौमित्र खान भी सुकांत मजुमदार के साथ मौजूद थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहां बैठक की और पार्टी की तैयारी को लेकर उन्होंने चर्चा की, जिसके बाद अब खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी की तैयारी को लेकर, लोकसभा चुनाव के लिए आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी दल के नेताओं ने कमर कस ली है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, विपक्षी दल मिलकर इंडिया गठबंधन बनाकर केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं अब बीजेपी भी कमर कसती हुई नजर आ रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां बंगाल पहुंचने वाले थे, हालांकि उनका ये दौरा रद्द हो गया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री तो आ रहे हैं पश्चिम बंगाल, और यहाँ उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लोकसभा चुनाव के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होगी, पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कोलकाता अभी हाल ही में पहुंचे थे, और इसके बाद एक आध महीने बीतने के अंदर ही एक बार फिर से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बंगाल दौरे पर, इसे लेकर टीएमसी भी हमलावर नजर आ रही है, और उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करार दिया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह कोलकाता आ रहे हैं, इस दौरान जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जो उनकी बैठक होनी है, ये इस बैठक के दौरान जो समीक्षा बैठक होगी, इसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको यहाँ ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री केवल बंगाल दौरे पर ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि 28 तारीख को यानी 28 दिसंबर को ही उनकी तेलंगाना में बैठक होनी है, और वहीं वे
तेलंगाना के बाद तमिलनाडु में 23 दिसंबर को पहुंचने वाले हैं। देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी कमर कसती हुई नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या साल 2024 में होने वाले इस चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता हासिल कर पाती है या फिर इंडिया गठबंधन जो कि विपक्षी नेताओं ने मिलकर बनाया है वो केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा पाती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरी लाल के साथ, खबरें आपकी नजर हमारी।